फ्रेंड्स, मैं अश्विनी कामत मेरे चैनल कामत स्वजन नॉनवेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चिकन घी रोस्ट। ये मंगलूर स्टाइल का चिकन घी रोस्ट दिखाने वाली हूँ आपको। ये इसमें बहुत सारा टाइप का बनाते हैं, ये मेरा वर्शन है। ये देखिए, इसके लिए आपको इंग्रीडियंट्स क्या क्या चाहिए फर्स्ट बताती हूँ। ये है 150 ग्राम्स चिकन, बोनलेस लिया है मैंने। आपको चाहिए तो आप विथ बोन भी ले सकते हैं। इसमें अभी मैरिनेशन के लिए अभी ऐड करना है, वो भी बताती हूँ। ये मैंने अच्छी तरह से थोड़ा सा हड़द डाल के अच्छी तरह से धो लिया है, ऐसे ऐसे इतना बड़ा बड़ा पीस किया है। आप चाहिए तो उससे भी बड़ा पीस भी रख सकते हैं, नहीं तो उससे भी छोटा भी पीस रख सकते हैं, विथ बोन भी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसके लिए इंग्रीडियंट्स चाहिए ऑनियन पीसेस, ऐसे बारीक कट किया हुआ ऑनियन एक लिया है मैंने, एक का मीडियम साइज़ का ऑनियन बारीक कट किया हुआ लिया है। और इसके लिए दही चाहिए, ये 1/4 कप दही है मैरिनेशन के लिए चाहिए। ये है 5 बैडगी चिल्ली, आपके पास बैडगी नहीं है तो गुंटूर है तो वो भी ले सकते हैं। बैडगी चिल्ली लिया है होल। ये है टमरिंड, छोटा सा पीस टमरिंड पानी में भिगो के रखा है मैंने। ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 2-3 टीस्पून लिया है मैंने। आपके पास जिंजर गार्लिक पेस्ट रेडी नहीं है तो जिंजर और गार्लिक का पीसेस भी ले सकते हैं थोड़ा सा। ये है कोरिएंडर सीड्स, अखा कोरिएंडर जो बोलते हैं धनिया, वो लिया है मैंने। ये मैंने 2 टीस्पून लिया है। ये है बड़े शेप, ये देखिए बड़े शेप लिया है मैंने, ये मैंने 1/4 टीस्पून लिया है। ये है पेपर, अखा पेपर लिया है, ये भी 1/4 टीस्पून लिया है मैंने। ये है करी लीव्स, थोड़ा से करी लीव्स लिया है धो के अच्छी तरह से। ये है जीरा, ये 1.5 टीस्पून लिया है मैंने। और मेथी सीड्स एक, 7-8 मेथी सीड्स लिया है, ज़्यादा डालने से एक थोड़ा सा ये बिटर ये करेगा, इसलिए थोड़ा लेना है उसे, टेस्ट के लिए उतना ही लेना है। ये है फिर से चिली पाउडर लिया है मैंने यहाँ, ये 3-4 टीस्पून लिया है। आप चिली पाउडर नहीं चाहिए तो फुल इसमें बैडगी चिली एक और से और 5 ऐड कर सकते हैं बैडगी चिली। इसमें थोड़ा सा 1/4 टीस्पून हड़द लिया है मैंने। अभी इसके लिए घी भी चाहिए, चिकन घी रोस्ट मतलब घी चाहिए इसके लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ फ्रेंड्स। देखिए मैंने अभी ये चिकन का बाउल लिया है, उसमें अभी आपको स्वादानुसार ऐसे नमक डालना है, थोड़ा सा नमक डालिए स्वादानुसार, चाहिए तो बाद में कम रहेगा तो फिर से ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट जो हमने लिया था वो डालना है। ये देखिए, अगर जिंजर गार्लिक पेस्ट आपके पास नहीं है तो आप जिंजर पीस और गार्लिक पीस भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको चिल्ली पाउडर और टर्मरिक पाउडर जो मैंने बोला था वो डालना है। ये देखिए, ये इसमें थोड़ा सा दही ऐड करना है आपको मैरिनेशन के लिए, जो मैंने बोला था उतना दही सब ऐड करना है आपको। ये अच्छी तरह से अभी ऐसे मिक्स कर लीजिए, हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं, ऐसे ऐसे स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं अच्छी तरह से। ये मिक्स करके आपको अभी 1 घंटे तक ऐसे ही मैरिनेशन करके फ्रिज में रख सकते हैं, नहीं तो बाहर भी रख सकते हैं। ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये देखिए, इसमें कुछ भी मैं कलर ऐड नहीं कर रही हूँ, होटल में थोड़ा सा कलर ऐड करते हैं, आप भी मत ऐड कीजिए। देखिए अभी ऐसे मैरिनेशन होने के बाद आपको 1 घंटे तक, नहीं तो 1/2 आवर भी रख सकते हैं आप मैरिनेट करके, ऐसे करके अभी रखना है आपको। फ्रेंड्स देखिए, अभी धनिया पेपर और ये बड़े शेप
और मेथी और जीरा ये सब आपको, और चिल्ली, ये बैठ गई चिल्ली, ये सब तेल ना डालते हुए फ्राई करना है, लाइट ब्राउन होने तक थोड़ा फ्राई करना है। मैं दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। फ्रेंड्स देखिए, अभी मैंने एक कढ़ाई लिया है छोटा सा, उसमें थोड़ा सा गर्म होने के बाद हाई फ्लेम में ही आप फ्राई कर लीजिए। ये धनिया, जीरा, मेथी, पेपर और बड़े शेप, ये सब डाल के ऐसे फ्राई करना है आपको। और चिल्ली जो हमने बैड की चिल्ली लिया था वो भी डालना है। ये सब थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, देखिए मैंने अभी फ्राई कर लिया है। अभी ये ग्राइंड मिक्सर में ग्राइंड करना है आपको। फ्रेंड्स देखिए, अभी ये सब जो मैंने फ्राई किया था, मिर्ची, धनिया, ये सब ये मिक्सर जार में लेना है। और इमली का पानी जो हमने रखा था, इसका पानी ऐसे अच्छी तरह से निचोड़ के ये पानी डाल के नाइस पेस्ट कर लेना है आपको। फ्रेंड्स देखिए, ऐसे पीस लेना है आपको मिक्सर में जो हमने फ्राई करके डाला था। ये थोड़ा सा इमली का पानी और थोड़ा सा और पानी डाल के ऐसे पेस्ट कर लेना है। अभी नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने अभी कढ़ाई लिया है, उसमें घी लिया है 1-2 टेबलस्पून लिया है। आप थोड़ा कम चाहिए तो कम डालिए। उसमें आपको ऑनियन डालना है, उससे ऑनियन पीसेस थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए। और 1-2 करी लीव डालिए और थोड़ा सा रखिए बाद में डालने के लिए। तो देखिए ऐसे फ्राई, बड़े हाई फ्लेम में ही फ्राई करना है आपको ऐसे अच्छी तरह से। तो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक उतना ही फ्राई कर लीजिए, ज़्यादा फ्राई मत कीजिए। ब्राउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक फ्राई कर लीजिए। ये देखिए अभी हो गया है। उसमें जो हमने मसाला ग्राइंड करके रखा था वो सब ऐड करना है आपको। मिक्सर से ये तो आप धो के भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा पानी डाल के। फ्राई कर लीजिए ये मसाला डाल के। अभी ये थोड़ा सा ऐसे फ्राई होते ही आपको जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो डालना है, उसमें सब डाल लीजिए। थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए चिकन, जिस बोन भी आप ले सकते हैं चिकन। तो ये तो अगर आपको घी ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा कम डाल सकते हैं घी, ये पूरी घी में ही बनता है। इसमें थोड़ा सा स्वीटनेस चाहिए तो आप थोड़ा सा जैगरी डाल सकते हैं, 1/4 टीस्पून जैगरी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ नहीं डाला है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। होटल में सब थोड़ा सा जैगरी ऐड करते हैं, थोड़ा स्वीट आता है। ये देखिए थोड़ा सा ऐसा फ्राई कर लीजिए अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा फ्राई करने के बाद आपको ऐसे दिखेगा। इसमें थोड़ा सा पानी डालिए,
थोड़ा सा ये बॉईल होने के लिए थोड़ा सा पानी डाल के ऐसे अच्छी तरह से मिक्स, एक उबाल आने के बाद आपको ढक्कन लगा के एक 5 मिनट तक ऐसे ही बंद करके रखना है। देखिए अभी ढक्कन लगाना है ऐसे उबाल आने के बाद, ऐसे ढक्कन लगा के एक 5 मिनट तक ऐसे ही लो फ्लेम में रखिए। फ्रेंड्स देखिए अभी 5 मिनट हो गया है, अभी देखिए घी सब ऊपर आ गया है, ऐसे इसे ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए और इसमें करी पत्ता जो हमने रखा था बचा के वो डालना है आपको। ये देखिए हमारा चिकन घी रोस्ट रेडी हो गया है फ्रेंड्स, अभी मैं प्लेटिंग दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारा चिकन घी रोस्ट रेडी हो गया है, ऐसे दिखेगा। ये आप विथ बोन भी कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगे तो मेरे चैनल कामस वेज एंड नॉनवेज में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मोर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट। थैंक यू।